नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। टखनों में सूजन अक्सर लोग महसूस करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते कि इसका कारण क्या है। दरअसल टखनों में सूजन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ पुरानी बीमारियां हो सकती हैं तो कुछ आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हो सकती है। जैसे कि कई बार बढ़े हुए वजन के कारण आपके टखनों में सूजन आ जाती है, तो कभी बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा भी टखनों में सूजन के कई कारण हो सकते हैं। मोच के कारण। मोच टखनों में सूजन का सबसे पहला कारण है। मोच चाहे हड्डियों की हो या मांसपेशियों की, इसके कारण आपको टखने में सूजन हो सकती है। गठिया के कारण। गठिया के कारण टखनों में सूजन की समस्या हो सकती है। गठिया में भयंकर सूजन भी हो सकती है। ये इतना बढ़ सकता है कि आपको चलने में भी परेशानी हो। साथ ही कई बार ये सूजन और बढ़ सकती है, ऐसी स्थिति को कंट्रोल करें और फिर गठिया का इलाज करवाएं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वैसे तो दिल की बीमारी है, लेकिन यह आपकी धमनियों को भी प्रभावित करने लगती है। इसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं सर्कुलेट हो पाता। दरअसल जब आपके टखनों तक खून नहीं पहुंचता, तो धीरे धीरे इसमें सूजन आने लगती है। ये आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती है और शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाती है। वेरिकोज वेंस की समस्या आपके शरीर के किसी भी अंग तक पहुंच सकती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या में वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है। ये आपके पैरों और टखनों तक भी नहीं पहुंच सकता। इससे टखनों में सूजन आ सकती है। इसमें टखनों में साफ साफ नसें नजर आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।